Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Harshi and I hope all of you are doing good. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे कुर्ताज और कुर्ता सेट्स जो मैंने कुछ रैंडम ऑनलाइन स्टोर से लिए हैं. सो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ कि मैं हमेशा मिंत्रा देखती हूँ या आजियो देखती हूँ या अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इन सब से ही मैं हमेशा कुर्ताज और कुर्ता सेट्स या कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस मुझे लेनी होती है तो मैं इन सब वेबसाइट से ही लेती हूँ. बट इस बार मैंने क्या किया है, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि कुछ ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर्स भी अवेलेबल है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जिन पे कुर्ता सेट्स और जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो बहुत अच्छी मिलती हैं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा मंगवाते हैं. तो मैंने पास्ट लाइक 3 और 4 मंथ्स में कुछ ऐसे ही वेबसाइट से, ऑनलाइन स्टोर से या इंस्टाग्राम स्टोर से शॉप किया है और मैंने काफ़ी सारा कलेक्शन इस टाइम काफ़ी सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं कुर्ता सेट जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ दिखाऊंगी. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई गॉट फ्रॉम दीज रैंडम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. सो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम इन सारी वेबसाइट से तो शॉप करते ही हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, आजियो हो गया, उसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. तो ये वीडियो शूट करने से पहले जब मैं सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर रही थी तब मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत ज्यादा हो गए हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी. तो पहले पार्ट में मैं कुछ दिखा दूंगी और सेकेंड पार्ट में भी मैं कुछ और कुर्ता सेट्स और कुर्ताज इंक्लूड कर दूंगी. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है और सबसे पहले मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट ड्रेस इस पूरे हॉल वीडियो की मैं दिखाने वाली हूँ. सो द फर्स्ट ड्रेस विच आई एम गोइंग टू शो यू इज द वन विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ एंड इट इज अ कुर्ता सेट विच आई गॉट फ्रॉम लेबल तासोस बाय डॉली गुप्ता. सो सौम्या गुप्ता को तो हम सभी जानते हैं, मीचू को हम सभी जानते हैं जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर कॉन्टेंट क्रिएटर है. तो मैं उनका इंस्टाग्राम देख रही थी तो उसी से मुझे लेबल तासोस के बारे में जानने को मिला और ये उनकी मदर का एक ब्रांड है, डॉली गुप्ता का एक ब्रांड है. और ये जो मोस्टली कपड़े बनाते हैं ये आपके पार्टी वेयर होते हैं और कैजुअल वेयर होते हैं. तो मुझे इनके कैजुअल वेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैंने इनके वीडियोस देखे और उसमें मैंने ये वाला कुर्ता सेट देखा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. और जैसा कि मैं कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो मुझे ये कुर्ता सेट बहुत अच्छा लगा उसके पर्पज़ से. तो ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. और इसमें सबसे अच्छी जो बात थी इसका लुक और स्टाइल. मैंने बहुत सारी ड्रेसेस देखे जो इस स्टाइल की हैं बट इसका जो स्टाइल है ना वो कुछ डिफरेंट ही है. बहुत अच्छा लगता है, पहनने पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो सेकंड चीज़ मैं यही बताने वाली थी कि जो इसका फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो इसका मैं पूरा लुक साइड में डाल दूंगी क्योंकि मैं ऐसे नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं पहन के बैठी हूँ, मेरी फेवरेट है. सो इसका मैं पूरा लुक साइड में डाल दूंगी. लुक में आप देखना जो ये नेक वाला पोर्शन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. सो ये नेक वाला पोर्शन है, नीचे भी इसमें ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है. तो ये चीज़ें और इसके साथ साथ जो इसका पूरा ए लाइन का पैटर्न है ना वो बहुत अच्छा लगता है. एंड इसके अलावा जो इसमें अंदर लाइनिंग लगी हुई है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है. उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने कई ब्रांड्स ऐसे देखे जो ऐसे कपड़े बनाते हैं कि ऊपर से फैब्रिक तो बहुत अच्छा है, अंदर जो लाइनिंग लगाया उसकी वजह से इतनी गर्मी लगती है ना, और इंडिया की गर्मी तो आप सभी जानते हैं. तो इस वजह से और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बाहर और मैं ये पहन कर बैठी हूँ बट मुझे फैब्रिक के कारण कोई भी गर्मी नहीं लग रही. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप समर्स में भी पहन के जा सकते हो. सो इसके लुक में अगर आप देखेंगे तो प्लाजो इसका काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है, मुझे ये बहुत सही लगा. और इसका पूरा लुक जैसा मैंने बताया कि जो लाइनिंग अंदर लगी है उसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आता है. अगर आप ट्रेल कर लो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. इसके अलावा एक जो इसके साथ मेरा इशू था वो था ये नेक पे जो पैटर्न बना हुआ है वो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी क्योंकि ये काफ़ी डीप था. मैं इतने डीप नॉर्मली नहीं पहनती हूँ तो इसको मेरी मम्मी ने फिक्स किया है, कुछ अलग से फैब्रिक उन्होंने लगाया है बहुत, और ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा और फिक्स भी हो गया और इतना सही लग रहा है. तो ये मुझे अच्छा लगा. इसके साथ ही साथ जो इसका प्राइस था वो था 2600 और इसमें आप कस्टमाइज़ करा सकते हो, आप उन्हें DM कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पर जाके कस्टमाइजेशन वाली डिटेल्स फिल कर सकते हो. तो आप उन्हें DM करके भी कर सकते हो. मैं आपको प्रिफर करूँगी कि आप DM कर दो उनको तो वो आपको सजेस्ट करेंगे. तो इसका जो प्राइस था 2600 तो मुझे उसके
प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा लगा, बट मैं कभी इतने एक्सपेंसिव कुर्ता सेट्स नहीं लेती हूँ। मैंने 2000 से ज़्यादा आई थिंक इससे पहले कुर्ता सेट्स एक्सपेंसिव नहीं लिए इससे ज़्यादा, बट ये मेरा पहला था जो 2600 का था। बट इसको पहनने के बाद मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मुझे अब एकदम लग रहा है पैसे वसूल हो गए। तो जब पैसे वसूल हो जाते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा लगता नहीं है कि मैंने एक्सपेंसिव लिया या मैंने इतने ज़्यादा खर्च किए। तो इसको तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप जाकर उनके डीएम करना, देखना, या और कोई भी ड्रेस आपको पसंद आए तो आप वो ले सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो भी एक रैंडम ऑनलाइन स्टोर से लिया है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल आईना। आईना पे काफ़ी सारे कुर्ताज मिलते हैं, कुर्ता सेट्स मिलते हैं, और इसके अलावा वो फैब्रिक्स भी देते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला प्रोडक्ट लिया वो एक कुर्ता था, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली फॉर समर। समर्स में ऐसे प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू। तो ये इस तरीके का कुर्ता सेट है, और ये आप देख रहे होंगे कि आईना ब्रांड से है। आईना भी एक ऑनलाइन स्टोर है, आप वेबसाइट चेक करोगे तो आपको मिलेगा। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे एकदम समर फ्लोरल प्रिंट, बहुत ही प्यारे और कूल से प्रिंट्स मुझे दिखे, तो ये मैंने लिया। और इसका भी अगर हम बात करें फैब्रिक की, तो फैब्रिक इसका इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है कि बिल्कुल भी समर्स में ऐसा नहीं लगता है कि मुझे फैब्रिक के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या फिर उलझन सी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं फील होता है। तो मुझे ये कुर्ता भी बहुत प्यारा लगा। और इसके अगर आप डिज़ाइन देखो तो इसमें कुछ ऐसे फ्लावर्स बने हैं, प्लस उसके साथ साथ लीव्स बनी, लीव्स वाला पैटर्न है। देन उसके बाद अगर आप सामने से देखो तो इसमें कुछ ऐसे लेस लगी हुई है जो कि बहुत प्यारी लगती है। इसके अलावा इसके जो स्लीव्स हैं उस पर भी ऐसी ही लेस लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ओवरऑल अगर आप इसको पेयर करो, आप वाइट प्लाजो के साथ पहन सकते हो। मैं इसे नॉर्मली जीन्स पे पहनती हूँ जो कि बहुत कूल लगता है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। बट आईना के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मार्केट रेट से या फिर ऑनलाइन आपको जो मिंत्रा वगैरह पे मिलते हैं उससे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये मुझे जो पड़ा था वो 1100 रुपीज़ में पड़ा था, लेकिन वर्थ इट होते हैं। इसके भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, प्लस इसका फैब्रिक अच्छा है जो कि गर्मियों में एकदम कंफर्टेबल रहता है, तो इसलिए भी मुझे ये वर्थ इट लगता है। तो ये जो दोनों ब्रांड्स मैंने दिखाए, लेबल तासोस एंड आईना, ये इस टाइम मेरे फेवरेट से बन चुके हैं, क्योंकि इनका सबसे पहली चीज़ की स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं, सेकेंड थिंग इज़ कि इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। और ये जो ब्रांड्स हैं ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इन सब के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोग, जैसा कि मैं भी पहले यही करती थी, मिंत्रा वगैरह पे ही जाती थी अगर मुझे कुछ भी लेना होता है। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन्हें ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आए इनके प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैं इंस्टाग्राम स्टोर्स की बात कर रही थी, तो मैंने एक इंस्टाग्राम देखा, और वो शायद उसका जो नाम है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है, और इस पर कोई लेबल भी नहीं लगा है, टैग भी नहीं लगा है कि मुझे समझ में आए। तो ये मैंने एक इंस्टाग्राम से स्टोर से लिया है, और ये एक चिकनकारी कुर्ता है, जो आजकल इस तरह के चिकनकारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, कि जिस कलर का आपका कुर्ता है उसी कलर से उस पर ऐसे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, चिकनकारी वाला वर्क है। तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली हम चिकनकारी में किसे प्रेफर करते हैं, वाइट कलर और लाइट पिंक, लाइट ब्लू, येलो, ये सारे कलर्स बहुत पॉपुलर हैं, नॉर्मली लोग इसी को पहनते हैं। बट इसमें मैंने एक नया सा कलर देखा विच इज़ नेवी ब्लू, और ये कलर मुझे एकदम ही अलग सा लगा, इसका लुक भी एकदम ही अलग सा आता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया, इसलिए मैंने लिया उनसे। और ये मुझे कुछ पड़ा लगभग 800 का मुझे पड़ा। तो 800 में मैं कहूँगी कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि मार्केट में आपको और कम प्राइस में ऐसे ही कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसे मार्केट, नॉर्मली अपने घर के आसपास वाले मार्केट में भी इसे देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। हाँ, थोड़ा ये लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा मैंने पे किया है, बट इसका लुक अच्छा आता है तो मुझे ये भी वर्थ इट लगा। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, ये जो चिकनकारी वर्क है, वो आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है इसका वर्क, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली ये मैं ब्लैक जीन्स पे वेयर करती हूँ, आप प्लाजो पे भी वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका भी फैब्रिक मुझे बहुत सही लगा, आप इसे भी एक बार ले सकते हो। बट इसे लेने से पहले आप अपने आसपास के लोकल मार्केट्स में देख लेना, आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, या आपको 500 तक मिल जाएगा। बट अगर जैसा कि मेरे घर के आसपास मार्केट्स में मैंने इसे नहीं देखा है, तो आप ले सकते हो,
800 तक का पड़ेगा, और कोई डिस्काउंट चल रहा होगा तो वो भी आपको दे देंगे, और इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके पास और भी चिकनकारी में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो जो मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है वो मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से लिया है। मैं कानपुर में रहती हूँ, कानपुर में आप अगर जानते होंगे नवीन मार्केट इज़ अ वेरी पॉपुलर मार्केट, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कुर्ताज मिल जाएंगे, कुर्ता सेट्स, और जो भी आपको चाहिए होगा सब कुछ उस मार्केट में मिलेगा। तो मैंने एक शरारा सेट लिया था वहाँ से। तो अगर आप कानपुर में रहते हो तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बोल सकते हो अगर आपको शॉप चाहिए होगी कि किस शॉप नंबर से लिया है, कौन सी शॉप है, क्या नाम है, तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है? तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने कुर्ता सेट लिया था, और इसे मैंने इज्जत से इसलिए रखा है क्योंकि ये फैंसी में आता है और पार्टी वेयर में आता है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं अभी थोड़ा इज्जत दे रही हूँ इसको, पैकेट वगैरह में करके रखा है। तो ये इस कुर्ता सेट के बारे में बता दूँ, इसका वर्क, सबसे पहला जो इसका नेक वाला वर्क है वो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, इसमें जो मिरर वर्क है, और ये आपके जब भी आप किसी पार्टी में जाओगे लाइट्स पड़ती हैं तो इतना सही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये नेक वाली डिज़ाइन इसकी बहुत अच्छी लगी, प्लस इसके साथ इसमें ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, और ये एकदम लाइट ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन और उसमें थोड़ा सा हल्का सा येलोइश मिक्स, तो इसका कलर मुझे बहुत सही लगा। और इसके जो स्लीव्स वाले पैटर्न है ना, इसमें ये जो गोटा पट्टी वाला जो पैटर्न दिया हुआ है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे पार्टी वियर में तो ऐसे बहुत अच्छे चलते हैं गोटा पट्टी वाले वर्क वाले। तो ये आपका पूरा इसका कुर्ता है, कुर्ता की डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, नेक वाला पैटर्न भी, और इसके जो एंड में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिया हुआ है और गोटा पट्टी पूरी लगी हुई है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें इसके शरारा की, तो शरारा का जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ग्रीन कलर का एकदम सिंपल सा कुर्ता है, नेक पे डिज़ाइन है, और शरारा में ना ऐसे फ्लोरल से प्रिंट है, और इसका जो फैब्रिक उन्होंने बताया ये मसलिन फैब्रिक है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इसमें इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है शरारा में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको घेर दिख जाएगा, तो घेर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें भी आपको नीचे गोटा पट्टी वाला वर्क मिलेगा, और इस तरीके का जो पैटर्न इसमें दिया हुआ है, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है फ्लोरल वाली, बहुत अच्छी लगती है, सिंपल कुर्ते पे फ्लोरल शरारा, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छा लगा और इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो थी इसकी चुन्नी, इसका दुपट्टा इतना प्रिटी है ना, मैं बता नहीं सकती कि ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया था इसका दुपट्टा। ये पूरा नेट का है और इसमें बीच बीच में ऐसे सीक्वेंस वाले वर्क हैं, और इसके साथ साथ इसमें भी साइड में गोटा पट्टी दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इस वजह से, चुन्नी की वजह से मेरा सबसे पहले अटेंशन गया था, ये वहाँ पे ऐसे मैनक्विन में लगा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इस वजह से मैंने इसको ट्राई किया, और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने एक पार्टी भी अटेंड की है उसमें मैंने ये पहना था, और काफ़ी लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया इस कुर्ता सेट के लिए, और उसकी फ़ोटोज़ भी मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। और अगर आपको शॉप की डिटेल्स चाहिए होगी तो कॉमेंट्स में मुझसे पूछना, मैं आपको पूरी शॉप की डिटेल्स बता दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया और कौन सी शॉप का नाम क्या था। फैब्रिक इसका काफ़ी सॉफ्ट है, मसलिन फैब्रिक है, तो मसलिन हम जानते हैं कि बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था इट वाज 4,3200 का मुझे ये पड़ा था, जो कि मुझे लगता है सही है, क्योंकि पार्टी वेयर जो ड्रेसेस होती है वो आपको 3000 से 5000 इतनी तो मिलेंगी ही अगर नॉर्मल लेनी है, तो इसका मुझे प्राइस सही लगा था। और मैंने बताया कि जब कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं ना तब वर्थ इट लगता है, तब लगता है पैसे सारे वसूल हो गए, तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा खल नहीं रहा है इसको लेना। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐसे दिखाए, और काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स और इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने इंट्रोड्यूस किया जो कि नॉर्मली हमें नहीं पता है, हम ज़्यादा वहाँ से शॉप नहीं करते हैं, और अगर हमने देखा भी होगा ना तब भी एक बार ये सोचते हैं कि ये वेबसाइट रिलायबल है, क्या हम इससे शॉप कर सकते हैं, क्या हम इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, क्या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिटर्न रिफंड होंगे, पैसे आएंगे वापस, ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, ये सारी वेबसाइट जो मैंने ली हैं सारी की सारी सेफ हैं, और जो भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर मेंशन किया है वो भी सेफ है, मेरा प्रोडक्ट कुछ 3-4 दिन में आराम से आ गया था, और वो आप ज़रूर देखना, मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस पूरे वीडियो का प्लीज़ 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 ज़रूर से देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, मैं खुद भी नहीं जानती थी, और मैं भी आपके नॉर्मली जो हमारी वेबसाइट्स हैं मिंत्रा, अमेज़ॉन,
उससे शॉप करती थी, मैं अभी भी शॉप करती हूँ उससे, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी मुझे पता चली हैं, कुछ ऐसे स्टोर्स भी मुझे पता चले हैं जो कि अब मैं आगे इनसे शॉप करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो सो प्लीज़ 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 गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। सो दैट्स इट, बाय बाय।